पठान फिल्म का पोस्टर भाईंदर पश्चिम के मैक्सिस मॉल में फाड़ा गया। 29 जनवरी रविवार को 3:30 बजे के आसपास यह पोस्टर फाड़ा गया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को भाईंदर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पठान फिल्म ने 4 दिन में 40 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, फिर भी इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस मामले में भाईंदर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक मुंगुट पाटिल ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। भाईंदर पुलिस ने इनके जुरिडिक्शन में मैक्सिस मॉल में 7 स्क्रीन के ऊपर पठान मूवी दिखाया जा रहा है। आज दोपहर को 3:30-4 बजे के दरमियान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता 15-20 कार्यकर्ता लड़के लोग आए। उन्होंने सामने बंदोबस्त था उधर पठान मूवी का कॉरिडोर में, और सामने की तरफ पुलिस बंदोबस्त तैनात था। ये लोग बॉक्स ऑफिस जहाँ से भीड़ कम होती है, जनरली ऑनलाइन ही बुकिंग होता है, वहाँ पोस्टर्स लगे, कुछ कांच वगैरह थे, वहाँ आकर के घोषणाबाजी किए, कुछ पोस्टर वगैरह फाड़े वहाँ आकर के, और एक दो पथराव किए, एक दो कांच भी तोड़ा उन्होंने। तो तुरंत जैसे पुलिस को मालूम हुआ तो पुलिस स्पॉट पे जा करके इनमें से 9 लोगों को हिरासत में लिया है, गुनाह दाखिल कर रहे हैं और अगली कार्रवाई करना शुरू है। Yeah,